ये देखो ये डैमेज हुआ था उस दिन यार, नीलगाय जो है डायरेक्टली यहाँ पर इसकी हेडलाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी फिलहाल थोड़ा अर्जेंटली हम लोगों को जाना पड़ रहा है महिंद्रा के शोरूम, क्योंकि यार कुछ गलत हो गया हमारे साथ। और हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। परसों शूट था, परसों शूट करने के लिए हम लोग जा रहे थे, तो रास्ते में समय था करीब 5 बजे का, उसी टाइम पे एक नीलगाय रोड को क्रॉस कर रहा था, तुरंत आके हमारी गाड़ी में टकरा गया और गाड़ी को एकदम डैमेज कर दिया। बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफ़ी नुकसान हो गया है गाड़ी के अंदर। तो उसी को लेकर जा रहे हैं हम लोग अभी महिंद्रा के शोरूम, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम लेना है उस गाड़ी का। अब इतना खर्चा होगा भाई, इंश्योरेंस किस लिए कराते हैं हम लोग? इसीलिए कराते हैं कि जिससे कि अगर कोई भी डैमेजिंग होती है तो सही करा सकें। तो फिलहाल हम और अपने वीर भाई दोनों लोग जा रहे हैं, और अपने एक मतलब और फ्रेंड्स हैं जो अभी भाई मैकेनिक हैं गाड़ियों के बारे में, उनको लेके जा रहे हैं आलम भाई साथ में है। तो गाड़ी को भी चलते हैं और दिखाते हैं आपके लिए। अभी तो हम लोग घर में चलें, फिर क्या करें। चलो गाइस फिर निकलते हैं भाई यहाँ से। हैं चींटी यार, बताना कहाँ से आ गई। ये देखो भाई सर, ये छोटी छोटी चींटी आप देख रहे हो ना, ये वाली अच्छा। चलो ठीक है भाई निकलते, तो अभी गाड़ी दिखाते हैं आपके लिए कितना डैमेज हुआ है। तो गाइस पहुंच चुका हूँ मैं गाड़ी पर, और भाई ये देखो ये डैमेज हुआ था उस दिन यार, नीलगाय जो है डायरेक्टली यहाँ पर इसकी हेडलाइट ये वाली टूट गई है, और ये वाला बम्पर, ये जो बम्पर है ना ये वाला टूट गया है, और बाकी हेडलाइट चली गई है, और ये साइड का एक जो होता है इसमें कवर इसका वो जो डैमेज हो गया है, और बाकी तो इसमें थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ गई, एक खिड़की थोड़ी सी डैमेज हो गई है, मतलब अंदर की पिचक गई है, लेकिन कोई नहीं हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इतना ही कुछ हुआ है, और बाकी भाई आप सभी लोगों की दुआ की वजह से फिलहाल हमारे लिए तो कुछ हुआ नहीं, आप सभी लोगों की दुआ थी बस। एक भी चोट नहीं आई जरा सी भी, लेकिन गाड़ी डैमेज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आज का जो मौसम है बहुत ही सुहावना मौसम है, काफी अच्छा है, मतलब धूप नहीं है, बारिश का मौसम जो है आप एक बार देख सकते हो, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं आज। और अपने सामने भी जा रही है स्विफ्ट ये वाली, ये अपने आलम भाई की स्विफ्ट है। और पहले हम लोग बात करते हैं कुछ अपने इस बदायूं वाले शोरूम पर, बदायूं का ये हमारा सर्विस सेंटर है, और यहाँ पर इनसे पूछते हैं कैसे क्या होगा, उसके बाद फिर निकलेंगे बरेली के लिए। तो देखे सही कर गया मैं। हाँ जाइए बदायूं का। चलो तो एक बार इनसे चलकर बात करते हैं भाई क्या कहते हैं ये, क्योंकि थोड़ा सा आ गए अभी बताते हैं। लो भी आगे लगा देते हैं गाड़ी, क्योंकि रास्ता बंद हो जाएगा फिर यार। तो गाइस गाड़ी अपनी जा चुकी है अंदर के लिए भाई अभी, और देखते हैं सारा सामान क्या क्या इसमें एडजस्ट होता है, अभी बात करते हैं जो भी बता देंगे आपको, ठीक है। तो गाइस गाड़ी को तो हमने दे दिया भाई अभी फिलहाल यहाँ पर, और अभी उसमें टाइम हो सकता है, बोल रहे थे कि 8 से 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बोल दिया पर्सनली, तो बोल रहे हाँ आ जाएगा, क्योंकि सामान जो पड़ेगा सारा भाई ओरिजिनली डलवा रहे हैं हम लोग, कोई भी जुगाड़बाजी कोई कुछ नहीं, तो बोल रहे भाई डायरेक्ट ऑर्डर से आएगा सामान, इसलिए टाइम लगेगा, वरना जो हम अपने पास से डालते तो जल्दी भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम ले लो, उसके बाद कर देना, ठीक है। तो चलो गाइस तो निकलते हैं, आओ फिर। ये भाई इसका शोरूम, चलते हैं अब आलम भाई की गाड़ी में स्विफ्ट में, निकलते हैं भाई, आ जाओ भाई। सो फाइनली गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पर, और गाड़ी को बदायूं वाले शोरूम पर ही छोड़ दिया। वैसे तो बरेली का प्लान था, लेकिन उसके बाद वहां पर थोड़ा सा बात अच्छे से हो गया था उन लोगों से, जानते हैं अपने सब्सक्राइबर्स हैं, ज़्यादातर स्टाफ उनका पूरा वीडियो देखता है अपने लोगों का, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी के लिए बोल रहे थे, तो इसीलिए हमने बदायूं वाले स्टोर मतलब शोरूम पर गाड़ी को छोड़ दिया। और बाकी घर पहुँच चुका हूँ, तो उस दिन मैंने आपको ग्रिल दिखाई थी ना अपनी, वो जो रखी हुई थी अपने अंदर वाले कमरे में, उसको मैंने लगवा दिया। ये देखो भाई इस तरीके से उसको फिट किया गया है, ये रही अपनी पूरी ग्रिल का नक्शा, और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब कोई डर नहीं है इधर से, अगर कोई भी दिक्कत रहती है तो गिरेगा वरेगा भी नहीं, और यहाँ पर ये वाली गली यहाँ पर भी हम लोग मतलब रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन सारी चीज़ों में। और तो जो भी है ये ब्लॉग थोड़ा सा छोटा था इस वजह से, तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, हो सकता है जल्दी जल्दी ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे आप लोग तब जा करके, क्योंकि मोटिवेशन भी भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप लोग शेयर करोगे लाइक करोगे कमेंट करोगे तो जल्दी जल्दी ब्लॉग आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।